इनकम कंट्रीज़ कैन नॉट सस्टेन दिस। तो उसकी वजह से जो उसकी फॉल आउट है, जो उसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, सोशल, इकोनॉमिक, हेल्थ केयर के इटसेल्फ प्रॉब्लम्स, वो कहीं आउटवे कर देते हैं उन बेनिफिट्स को कि जो आप जनरलाइज्ड लॉकडाउन से हासिल करते हैं। तो फिर इसका हल क्या है? इसके हल हैं दो, जो कि अब गवर्नमेंट अप्रोच कर रही है। ये पहला स्ट्रैंड है हमारी स्ट्रेटेजी का। आई थॉट आई शुड टेक दिस अपॉर्चुनिटी एंड एक्सप्लेन टू यू कि हम कैसे अप्रोच कर रहे हैं। हम जो नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर में अपनी आधी ज़िंदगी आजकल गुजारते हैं, तो वहाँ पे क्या खिचड़ी पका रहे हैं, तो उसका ये लुबे लुबाव है जो मैं अभी आपको बताने लगा। पहली स्ट्रेटेजी ये है कि लॉन्ग जनरलाइज्ड अनस्पेसिफिक टाइमलेस जो लॉकडाउन्स हैं, दे आर नॉट आवर सोल्यूशन। दे आर नॉट सोल्यूशन एनी वेयर, इवन इन वेरी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमीज। तुम्हारी तो वैसे ही सूरत हाल बड़ी ख़राब है इकोनॉमी की। तो फिर हल क्या है? दो अप्रोचेस हैं इसमें। नंबर एक के हमने बिहेवियर चेंज करनी है, और बिहेवियर चेंज विद रेफरेंस टू टेकिंग अप दोज बिहेवियर्स विच हेल्प अस टू कर्टेल द स्प्रेड ऑफ द डिजीज। उर्फ़ आम में हम इन्हें कहते हैं एस ओ पीज़ की कंप्लाइंस मुख्तलिफ सेटिंग्स के अंदर, चाहे वो आप शॉपिंग करने के लिए जा रहे हैं, चाहे आप पार्क में जा रहे हैं, चाहे आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे हैं, चाहे आप मस्जिद में जा रहे हैं, चाहे आप किसी इंडस्ट्री में काम करते हैं, चाहे आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, तो आपको कुछ चीज़ें चेंज करनी है अपने आप में। दैट इज़ बिहेवियर चेंज। और बिहेवियर चेंज भी एक साइंस है, और उसको आप सिर्फ किसी लॉ के ज़रिए या किसी स्टिपुलेशन के ज़रिए आप उसे लागू नहीं कर सकते। बिहेवियर चेंज सबसे पहले यहाँ पे आती है, फिर वो पॉलिसी बनती है, फिर वो इम्प्लीमेंट होती है। सो उसमें भी हमारे जो सोशल साइंटिस्ट्स हैं, जो हमारे साइकोलॉजिस्ट्स हैं, एंड इवन जो हमारे साइकेट्रिस्ट हैं, उनका बड़ा रोल है। हाउ टू ब्रिंग दिस बिहेवियर चेंज इन आवर सोसाइटी, कि जिसकी वजह से वी स्टार्ट लिविंग विद द वायरस। इस वक्त जो ओवरऑल थीम है हमारा, वो है स्टार्ट लिविंग विद द वायरस। और इसलिए कि ये लॉन्ग टर्म है, हमें पता नहीं कि कब तक ये चलेगा और कब तक हमें इसके साथ रहना है। तो इसके लिए, और ये बड़ा एक देर इज़ ए काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी इन दिस चैलेंज, दैट वी ब्रिंग दैट डिसिप्लिन एंड दैट बिहेवियर चेंज इन आवर सोशल लाइफ विच अदरवाइज वी आर नॉट वेरी वेल नोन अबाउट। ठीक है जी। तो कंप्लायंस ऑफ एसओपीज। सेकेंड इसका जो स्टैंड है वो ये है कि हम सिलेक्टेड लॉकडाउन्स करें, हॉटस्पॉट्स आइडेंटिफाई करें, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करें, आइडेंटिफाई करें पॉजिटिव केसेस के अराउंड जो लोग हैं उनको ट्रेस करके, टेस्ट करके, अगर वो पॉजिटिव हैं तो उनको क्वारंटाइन करें। दिस इज TTQ, ट्रेसिंग, टेस्टिंग, क्वारंटाइन। इस वक्त पाकिस्तान में मोर देन 700 सच करते हैं। तो फिर इसका हल क्या है? इसके हल हैं दो, जो कि अब गवर्नमेंट अप्रोच कर रही है। ये पहला स्ट्रैंड है हमारी स्ट्रेटेजी का। आई थॉट आई शुड टेक दिस अपॉर्चुनिटी एंड एक्सप्लेन टू यू कि हम कैसे अप्रोच कर रहे हैं। हम जो नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर में अपनी आधी ज़िंदगी आजकल गुजारते हैं, तो वहाँ पे क्या खिचड़ी पका रहे हैं हम, तो उसका ये लुबे लुबाव है जो मैं अभी आपको बताने लगा। पहली स्ट्रेटजी ये है कि लॉन्ग जनरलाइज्ड अनस्पेसिफिक टाइमलेस जो लॉकडाउन्स हैं, दे आर नॉट आवर सोल्यूशन। दे आर नॉट सोल्यूशन एनी वेयर, इवन इन वेरी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमीज। स्टिपुलेशन के ज़रिए आप उसे लागू नहीं कर सकते। बिहेवियर चेंज सबसे पहले यहाँ पे आती है, फिर वो पॉलिसी बनती है, फिर वो इम्प्लीमेंट होती है।
सो उसमें भी हमारे जो सोशल साइंटिस्ट्स हैं, जो हमारे साइकोलॉजिस्ट्स हैं, एंड इवन जो हमारे साइकेट्रिस्ट हैं, उनका बड़ा रोल है हाउ टू ब्रिंग दिस बिहेवियर चेंज इन आवर सोसाइटी, कि जिसकी वजह से वी स्टार्ट लिविंग विद द वायरस. इस वक्त जो ओवरऑल थीम है हमारा वो है स्टार्ट लिविंग विद द वायरस, और इसलिए कि ये लॉन्ग टर्म है, हमें पता नहीं कि कब तक ये चलेगा और कब तक हमें इसके साथ रहना है. तो इसके लिए, और ये बड़ा एक देयर इज ए काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी इन दिस चैलेंज दैट वी ब्रिंग दैट डिसिप्लिन एंड दैट बिहेवियर चेंज इन आवर सोशल लाइफ विच अदरवाइज वी आर नॉट वेरी वेल नोन अबाउट. ठीक है जी. तो कंप्लायंस ऑफ SOPs. सेकेंड इसका जो स्टैंड है वो ये है कि हम सिलेक्टेड लॉकडाउन्स करें, हॉटस्पॉट्स आइडेंटिफाई करें, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करें, आइडेंटिफाई करें पॉजिटिव केसेस के अराउंड जो लोग हैं उनको ट्रेस करके, टेस्ट करके, अगर वो पॉजिटिव हैं तो उनको क्वारंटाइन करें. दिस इज TTQ, ट्रेसिंग टेस्टिंग क्वारंटाइन. इस वक्त पाकिस्तान में मोर देन 700 सच स्पेसिफिक लॉकडाउन्स आर एग्जिस्टिंग. अब इसकी बहुत ज़्यादा मैं आपको तफसील बता सकता हूँ, लेकिन मुख्तसरन ये दो चीज़ें आपको बता देता हूँ, ज़्यादा तफसील लात में नहीं जाता. एक चीज़ ये है कि आज भी पाकिस्तान में जो हमने वेंटिलेटर्स कोविड पेशेंट्स के लिए डेडिकेट किए हुए हैं फ्रॉम आवर एग्जिस्टिंग पूल ऑफ वेंटिलेटर्स, जो कि क्रिटिकल केयर हम करते हैं, 727 अस्पताल हैं पाकिस्तान में इस वक्त, कि जिनके अंदर हमने कुछ सब हॉस्पिटल की मैनेजमेंट्स को कहा कि अपने कुछ वेंटिलेटर्स अलहदा कर दें ताकि उनको कोविड पेशेंट्स के लिए यूज़ किया जा सके. उन वेंटिलेटर्स का बिटवीन 24 to 25% इस वक्त एंगेज्ड है. ये बात बड़ी काबिले गौर है. एंड वी हैव स्टेटिस्टिक्स अबाउट ईच वन ऑफ द हॉस्पिटल. बड़ी मेहनत की है हमने पिछले चंद हफ्ते के अंदर. पाकिस्तान ने पहली दफा ये डेटा इकट्ठा किया है. तो 24-25% से ज़्यादा वेंटिलेटर्स इस वक्त एंगेज नहीं है, वो जो कि मुख्तस किए गए कोरोना वायरस के, क्रिटिकल पेशेंट्स ऑफ कोरोना वायरस के. तो फिर इतना शोर क्यों है कि जी मर गए, लुट गए, चीज़ें नहीं मिल रही, पेशेंट्स जा रहे हैं वापस वगैरह वगैरह वगैरह. इट इज़ ए प्योर मैनेजेरियल इशू, इट इज़ नॉट एन इशू ऑफ रिसोर्सेज. And why I say this? And managerial at macro level and at the micro level. Macro level इस तरह कि हमारे यहाँ ये tendency है लोगों के अंदर कि जब कोई critically ill होता है घर में तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम सबसे बड़े शहर के सबसे बड़े hospital के critical ICU में जाके अपने मरीज को दाखिल कराएं. अगर हम ये ना कर पाएँ तो उसके दो मतलब समझे जाते हैं. एक मतलब ये है कि वी आर नॉट वेल कनेक्टेड, कि वी कुड नॉट गेट आवर पेशेंट एडमिटेड, और दूसरा मतलब इसका ये होता है कि वी डोंट लव इनफ आवर लव्ड वंस दैट वी कुड नॉट प्रिवेल, हम उनको दाखिल नहीं करा सके बड़े. ये एक माइंडसेट है. अगेन इसको भी एड्रेस करने की ज़रूरत है कि 75% आपके ICU बेड्स खाली पड़े हैं, अनएंगेज्ड पड़े हैं, और हमारे बड़े अस्पतालों के अंदर ऐसे है कि जैसे कोई क़यामत आई हुई. तो इसके लिए हमने एक रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम बनाया है जो कल हमने लॉन्च भी किया है, जिसमें कि आप पाकिस्तान के सारे हॉस्पिटल्स को पाकिस्तान के मैप पे लोकेट कर सकते हैं. एंड इफ़ यू टेक योर कर्सर टू दैट हॉस्पिटल, अ लिस्ट ऑफ रिसोर्सेज विल इमर्ज कि इस हॉस्पिटल में कितने बेड्स हैं, कितने डेडिकेटेड बेड्स हैं फॉर कोविड पेशेंट्स, कितने ICU बेड्स हैं, कितने बेड्स हैं
आईसीयू जो आपने डेडिकेट किए हैं कोविड पेशेंट्स के लिए, कितने वेंटिलेटर्स हैं, कितने आपने डेडिकेट किए हैं कोविड पेशेंट्स के लिए, कितने एंगेज्ड हैं और कितने फारिग हैं। ये कोई छोटी चीज़ नहीं है करना पाकिस्तान में। अंडर 18th अमेंडमेंट स्पेशली व्हेन यू आर सिटिंग इन इस्लामाबाद टू गैदर ऑल दिस इंफॉर्मेशन एंड टू मेक इट अवेलेबल एंड गेट इट अपडेटेड ट्वाइस अ डे। आपको पाकिस्तान में आज ये सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है और इसकी ऐप भी हमने कल लॉन्च कर दी है। वी वॉन्ट पब्लिक ऑल्सो टू नो अबाउट दिस। तो एक तो हम जो एक तो रैंप अप कर रहे हैं हेल्थ सिस्टम को, लेकिन उसके बारे में जो इंफॉर्मेशन है और उसमें जो ये इश्यूज हैं कि हम एक जगह पे कंसंट्रेट किए हुए हैं बड़े अस्पतालों में, हम रीडायरेक्ट नहीं कर पा रहे पेशेंट्स को उन जगहों के ऊपर कि जहाँ पे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। और वो इसलिए नहीं कर पा रहे थे कि हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं थी कि कहाँ अवेलेबल है, तो वो हमने अवेलेबल किया है इंफॉर्मेशन। और तीसरा जो स्ट्रैंड है, सो पहला स्ट्रैंड था कंटेनमेंट, उसकी मैंने आपको डिटेल बताई। दूसरा स्ट्रैंड है बिल्डिंग द हेल्थ केयर कैपेसिटी स्पेशली इन क्रिटिकल केयर एंड ऑल्सो मेकिंग इट मैनेजेरियली ईजी फॉर पॉलिसी मेकर्स टू रीडायरेक्ट पेशेंट्स टू दोज प्लेसेस वेयर वी हैव दीज रिसोर्सेज अवेलेबल। और तीसरी चीज़ जो है, जो कि आपके लिए, मेरे लिए, प्राइम मिनिस्टर के लिए, पूरी गवर्नमेंट के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, और वो है हमारे फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स, उनकी प्रोटेक्शन और उनकी सपोर्ट। और उसके लिए हमने बहुत सारी चीज़ें की। वी केयर के नाम से एक नेशनल प्रोग्राम लॉन्च किया जिसके दो हिस्से हैं। एक है प्रमोटिंग द प्रिवेंशन ऑफ आवर फ्रंटलाइन हेल्थ केयर वर्कर्स और दूसरे है सपोर्टिंग दैम। जो प्रिवेंटिव पार्ट है उसके अंदर, प्रोटेक्शन पार्ट है उसके अंदर, सबसे पहले चूंकि बहुत ज़्यादा शोर था कि हमें PPEs नहीं मिलते, तो उनकी दस्तियाबी को यकीनी बनाया। कैसे बनाया, ये भी एक लंबी दास्तान है कि जिसमें कि अब हम उस पॉइंट पे पहुंच गए हैं पिछले 2 महीने की मुस्तकिल मेहनत के बाद कि वी आर नाउ डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूटिंग वीकली नीड, आफ्टर असेसिंग द वीकली नीड्स ऑफ द हॉस्पिटल्स, मोर देन 450 हॉस्पिटल्स अक्रॉस द कंट्री। हालांकि ये फेडरल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है, ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की जिम्मेदारी, वो भी कर रही है, हम पॉप अप कर रहे हैं उसको। नीड्स असेसमेंट का एक पूरा सिस्टम डेवलप किया है कि नीड्स कैसे असेस करनी, कितनी शिफ्ट्स में कितने डॉक्टर्स होते हैं, बेड्स कितने हैं, मल्टीप्लाई ये वो, बड़ा लंबा चौड़ा मैथमेटिक्स इसके अंदर इन्वॉल्व। एंड फाइनली वी आर नाउ टुडे एबल टू असेस द नीड्स एंड देन विद द हेल्प ऑफ NDMA डायरेक्टली NDMA से कॉटन्स के अंदर वीकली बेसिस के ऊपर मोर देन 450 हॉस्पिटल्स को PPEs भेजे जाते हैं फॉर द फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स। तो इस वक्त हमारे डेटा के मुताबिक, फेडरल गवर्नमेंट के डेटा के मुताबिक, अवेलेबिलिटी ऑफ द PPEs शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम इन दीज 450 की हॉस्पिटल्स। But then there are two problems in it. We still hear, and somebody, sometimes, some of you have gone to the media, कि जी PPEs नहीं मिल रहे। तो issue क्या है? दो issues हमें समझ आए कि बावजूद इसके कि हम वो available कर रहे हैं, number one issue ये है कि hospitals उन PPEs को रिसीव करने के बाद हॉस्पिटल मैनेजमेंट्स जो हैं उनको सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रही और मैनेज नहीं कर रही। जिनको मिलने चाहिए उनको टाइमली कई दफ़ा नहीं मिलते। और दूसरी चीज़ जो है वो इसमें ये है
मैं आपके हॉस्पिटल की एग्जांपल देता हूँ, पिछली दफा भी शायद मैंने दी थी, लास्ट टाइम जब मैं नहीं लास्ट से लास्ट टाइम जब मैं यहाँ पे आया उससे एक शाम पहले एक डॉक्टर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा जी के पीपीज नहीं मिल रहे. और मैं जब आया और खासतौर पर N95 विच इज़ ए वेरी की पर्सनल प्रोटेक्शन गियर, तो मैं जब आया तो बाहर ये जो हमारी पार्किंग है आपकी वहाँ पे जो चौकीदार खड़ा है ना उसने N95 पहना हुआ था. और अंदर डॉक्टर्स शोर मचा रहे थे या उनका कंसर्न था कि हमें N95 नहीं मिला. सो इरेशनल यूज विच इज विच रिजल्ट्स आल्सो एज पार्टली बिकॉज ऑफ रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन एंड मैनेजमेंट ऑफ PPEs विच आर अवेलेबल इन द हॉस्पिटल फैसिलिटीज, ये इसकी रीजन. तो दो रीजन हो गई, एक बैड मैनेजमेंट इन द हॉस्पिटल एंड सेकेंड इरेशनल यूज ऑफ PPEs. इन दोनों चीज़ों को हमने वी केयर के प्रोग्राम में शामिल किया, पहले उनको अवेलेबल किया, फिर हमें ये लगा कि बावजूद इसके अवेलेबल करने के लोग उसे सही यूज़ नहीं कर रहे. फिर हमने एक लाख हेल्थ वर्कर्स की पाकिस्तान में एक एक घंटे की ऑनलाइन ट्रेनिंग का सिलसिला शुरू किया. और इसका रीज़न है कि हम लोगों की ट्रेनिंग का ये हिस्सा ही नहीं है कि PPEs हमने कैसे इस्तेमाल करने. हम जब MBBS करके निकलते हैं या हाउस जॉब करते हैं, किसी ने कभी हमें बताया कि ये आपने टैविक सूट कैसे पहनना है? देर आर प्रॉब्लम्स इन आवर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग. तो जो उसका प्रोटेक्शन पार्ट है हेल्थ केयर वर्कर्स का, उसमें ये दो चीज़ें कि उन हेल्थ वर्कर्स की प्रोटेक्शन में ये दो चीज़ें, और फिर सपोर्ट. और सपोर्ट में भी फिर आगे बहुत सारी चीज़ें जिनमें से दो का जिक्र करना चाहता हूँ. एक ये है कि हमें मॉरल सपोर्ट देने की ज़रूरत है हेल्थ वर्कर्स को, उनको साइकोलॉजिकल साइको सोशल सपोर्ट देने की ज़रूरत है. इट इज़ ए डेंजरस एक्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज़ रिस्क प्रोन, वी ऑल नो दिस, एंड एविडेंस ग्लोबली प्रूव्स दैट कि COVID-19 को जो वर्कर्स डील कर रहे होते हैं ख़ास तौर पर क्रिटिकल केयर में, उनके चांसेज ऑफ डिवेलपिंग इन्फेक्शन आर हायर दैन द रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन और द रेस्ट ऑफ द डॉक्टर्स. तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि हम उनको उनकी मॉरल सपोर्ट करें, उनकी फैमिलीज को ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि उनके बच्चे बच्चियाँ या उनके स्पाउसेस जब अपनी ड्यूटीज़ के ऊपर जा रहे हैं तो उनको कुछ एक फीलिंग होनी चाहिए कि somebody cares and somebody is trying to support. And there is anxiety associated with it. There is a fear and apprehension factor. And especially when you see your colleagues developing infections, and unfortunately some of them have died. Although these numbers, again, इसको भी ज़रा सुन लें समझ लें कि हमारे numbers among health professionals जो infection है it is far lower than what we have seen in Europe. हमारे 3% से ज़्यादा health workers infected नहीं हैं पाकिस्तान में अभी भी, और हम इसको डेली मॉनिटर कर रहे हैं डेली की बेसिस के ऊपर. वी कलेक्ट दिस डेटा फ्रॉम ऑल दीज हॉस्पिटल्स. और लेकिन बहरहाल इसमें सपोर्ट में हमें साइको सोशल सपोर्ट देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. सेकंड सपोर्ट इज डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंसेंटिव्स, उसके ऊपर मैं अभी तफसीलन बात नहीं करूँगा. लेकिन जो साइको सोशल सपोर्ट है इसमें बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं इस वक्त. वी केयर के हवाले से मैंने रिक्वेस्ट की डॉक्टर रिजवान ताज को, जिस तरह उन्होंने फरमाया, शुरू में इनको बुलाया, फिर डॉक्टर इकबाल अफरीदी जो कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान साइकेट्रिक सोसाइटी, एंड आई एम सो थैंकफुल टू यू के ऑन सच शॉर्ट नोटिस यू हैव ट्रेवल्ड ऑल द वे फ्रॉम कराची टू बी विद अस. तो इन्होंने मुझे इतना ज़बरदस्त PMA को मैंने इन्वॉल्व किया, उनकी हायरार्की जो है पाकिस्तान में, उनका प्रेसिडेंट, उनके सेक्रेटरी जनरल, उन सबको सबसे मैंने वीडियो कॉन्फ्रेंसेस की, इनसे बात की, और एवरीबॉडी वाज रेडी टू सपोर्ट. तो मुझे बड़ी खुशी है
कि हम वी केयर के सपोर्ट कंपोनेंट में मेंटल हेल्थ सपोर्ट जो है उसका आगाज करें. देर आर अदर इनिशिएटिव्स आल्सो व्हिच आर हैपनिंग और हमें इन सबको कोलेस करना चाहिए, सबको कोऑर्डिनेट करना चाहिए बिकॉज सो दैट के जो बेस्ट प्रैक्टिस आप फाइंड आउट करें वो सबके सपोर्ट प्रोग्राम्स का हिस्सा बन जाए बजाय इसके कि लोग डिफरेंट तरीके से ये प्रोग्राम्स चला रहे हों. तो एज आई अंडरस्टैंड आज हम PIMS से इसको ICT के डॉक्टर्स के लिए शुरू करें. इससे पहले डॉक्टर रिजवान ताज ने अपने तौर पे यहाँ पे एक इनिशिएटिव लिया हुआ है कि जिसमें आपको मोबाइल नंबर्स भी अवेलेबल हैं जिस पे आप कॉल कर सकते हैं, दो डॉक्टर्स अवेलेबल होते हैं, आप किसी वक्त भी उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. सो कोलीग्स, वी आर ऑल इन इट. This has fallen on us. We all have to face it. You and I are the front line workers. I also include myself from policy perspective and from management perspective at national level. So, yakinan, we are not perfect. Yakinan, badi kotaiyan hain. Yakinan, system is not geared up enough to fulfill all your needs. लेकिन एक चीज़ का यकीन रखें कि खलूस नीयत के साथ हम काम कर रहे हैं और दिल की गहराइयों से आपको प्रोटेक्ट और सपोर्ट करना चाहते हैं. आई विश यू गुड लक. थैंक यू वेरी मच.